लोग मानते हैं कि मैं लापता एसएमपी का सबसे नूब प्लेयर हूँ, लेकिन मेरे पास पूरे सर्वर के अंदर सबसे ज्यादा हार्ट आ गया। कैसे? इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। तो चड्डी गैंग का सबसे बड़ा एनिमी सेंपा स्पाइडर, उसके टीम में एक नया मेंबर आया था डीओपी, और मैंने सुना था कि ये बंदा मेरे से भी ज्यादा नूब है। तो फिर मैं सोचता हूँ कि आज इसके मजे ले ही लेते हैं। यो हेलो हेलो डीओपी, किधर है? हेलो, अरे बस कुछ नहीं, क्रीपर फार्म पे काम कर रहा था। वेलकम टू लापता एसएमपी। अरे इसी बात पे आप आ जाओ यार, स्पॉन पे थोड़ा टूर वूर देता हूँ आपको। अरे मैं पागल हूँ क्या भाई, स्पॉन पे क्यों आऊंगा मैं, मार पता है मेरे को। स्पॉन पे सब लोग आते हैं। अरे मैं नहीं मारूंगा। अबे तू बता, तेरे को क्यों मारूंगा, तेरे से क्या प्रॉब्लम है मेरे को? मैं तेरे को बस टूल देने को आ रहा हूं। आपको भाई हर्ट्स ले लोगे मेरे? अबे मेरे पास ऑलरेडी 13 हार्ट है, 13 हार्ट लेके करूंगा क्या मैं, तू ये बता। 13 थोड़े कम नहीं है क्या? अरे भाई तेरे पास कितने हैं? 10 है ना, ज्यादा ही हो गए ना उससे। लेकिन मैं डायमंड आर्मर में हूँ, मैं आज ही लॉगिन करा, मैं आज ही कैसे लड़ने के लिए आ जाऊँ? मैंने बोला क्या लड़ने के लिए आया झंडू, मैं बोला बस चलो घूमते है भाई, दोस्ती करते है। दोस्ती करते है भाई? आपने मेरे टीम मेट का बेस जलाया था, मैं कैसे दोस्ती करूँ आपसे? अरे वो तो उसने धोखा दिया था, हम तभी काम करते जब धोखा देता है कोई, समझ रहे? और मैंने नहीं, वो चड्डी गैंग नहीं किया था, वो मेरा नहीं हो सब। अरे हाँ, तो मैं बस थोड़ी देर में थोड़ा इंतजार करूँ, सामान वामान। ठीक है, मैं स्पॉन पे वेट कर रहा हूँ, जल्दी आ। मैं वहाँ पे आधे घंटे से वेट कर रहा था और वो अब तक वहाँ पे नहीं आया था। मेरे को समझ नहीं आ रहा था इतना टाइम क्यों लगा रहा है, और ऊपर से भाई इतने वियर्ड वियर्ड एक्सक्यूजेस दे रहा था। अरे बस आ गया, मैं बस 2-4 ब्लॉक्स दूर हूँ। अच्छा, अरे अच्छा, मैं पॉजिटिव की जगह माइनस पे आ गया। वेट 2 या 4 मिनट, शायद से 4 मिनट लेंगी बस। ठीक है, अरे 2 मिनट, वो जरा मम्मी बुला रही है, 2 मिनट। ठीक है, समझ गया। और तभी मुझे ये दिखता है, सांस ले ले भाई तू। अरे भाई। I knew it was a trap, लेकिन मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला। देख DOP, तूने मेरे साथ पहली बार धोखा किया, सेनपाई को लेके आया। ओ, मैं खुद की रक्षा के लिए लाया था भाई। भाई अगर तेरे को दुश्मनी नहीं करनी है, मैं तेरे को सुन, तेरे को एक और चांस दे रहा हूँ मैं। इस बार किसी के साथ मत आ, अपन मस्त फ्रेंडली तरीके से टूर करेंगे एसएनपी का, ठीक है? इस बार किसी को ला मत, फालतू में दुश्मनी मोल लेगा तू, मार खाएगा। सोचता हूँ मैं, 2 मिनट दो बोला। जल्दी बता यार, टाइम नहीं है। अरे देखो आएगा बस 0-0 पे। अच्छा ये है मेन, जो जिसको भी मीटिंग देनी होती है उसकी सीट। ये मेरी सीट, नई सीट। सुन ना भाई, ये है चड्डी गैंग की कोई भी मेंबर की सीट, चड्डी गैंग के लिए थोड़ा स्पेशल है। चड्डी गैंग भाई बेकार गैंग। अच्छा, हमको सिखा रिया है। आजा भाई आजा, ये देखो यहाँ पे हम अपने दुकान वगैरह रखने वाले हैं। ये टावर किसका है भाई? ये निज भाई का है। तो डीओपी को मैं धीरे धीरे अपने दोस्ती के चंगुल में फंसा रहा था, ताकि हमारा ट्रस्ट बन सके और उसको मेरे से कम डर लगे, ताकि मैं सही मौके का फायदा उठा के उसकी वाट लगा दूं। ये वाला रूम जो है ना, यहाँ पे भी तेरे को मतलब ऐसा लाइसेंस लेना पड़ता है, ठीक है? अरे सुन, यहाँ से ऊपर जाना है हमको, समझ रहे? ये क्या था यार? डीओपी रुक जा, कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मारा क्या मैं? देखो, मैंने मारा नहीं अब तक, मैं हूँ प्लीज। अरे टेंशन मत ले डीओपी, सॉरी डीओपी, ठीक है कोई बात नहीं। प्यासी भाई ये क्या किया? अरे कुछ नहीं रे, जस्ट कैजुअल बिजनेस। मेरा सामान मैं आज लॉगिन किया था, तेरा सामान मैं रख देता हूँ चेस्ट में, ठीक है? अभी डीओपी को मैं एक और बार मारूं, उससे पहले लेट मी टेल यू अबाउट द स्पॉन्सर ऑफ दिस वीडियो, आसुबो एमसी। यहाँ पे आप आराम से बहुत बड़े बड़े बिल्ड्स कर सकते हो, और लैंड क्लेम का यूज करके आपके पूरे बिल्ड को प्रोटेक्ट भी कर सकते हो, और आपका सामान भी उस एरिया के अंदर बिल्कुल सेफ रहेगा, और आपको मिलेगा फ्री लैंड अगर आप यूज करते हो कोड PST1। और इसमें लैंड क्लेम करना भी बहुत ईजी है, आप इजिली जैसे मैं अभी दिखा रहा हूँ वैसे आप लैंड क्लेम कर सकते हो, और आप इनका डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इसके साथ आसुबो एमसी का एक ब्रांड न्यू ऐप भी आने वाला है, जिससे आप अलग अलग रैंक्स भी परचेस कर सकते हो बहुत इजीली। और इस सर्वर में रेगुलरली अलग अलग कॉम्पिटिशन होते रहती है, जैसे कि अभी अभी इनका एक पार्कौर कॉम्पिटिशन होता जिसका प्राइस था 20,000 रुपीज, और ऐसे बहुत सारे कॉम्पिटिशन आगे भी होने वाले हैं। तो वेट मत करो, जल्दी से ज्वाइन करो सर्वर और यूज करो कोड PST1। मिलने के लिए बुलाया था क्या? अरे आपको क्या लगता है कि यहाँ पे सच्ची मुच्ची एसएमपी में कोई किसी से मिलना जाएगा? आपको फुली स्टैक होना पड़ेगा, ये आपको ऐसे सीख मिली है, ये हार्ड सबूत रहेगा इस चीज का। मैं सीख गया हूँ PhD चड्डी गैंग, जो भी कहते हो चड्डी गैंग। अरे देख ले, वॉच योर माउथ बड़ी, डू यू नॉट वॉन्ट योर स्टफ बैक? ले लू क्या या जला दू? सॉरी, अरे रखा है मैंने यहाँ पे चेस्ट में, देख ले भाई सब कुछ रखा है। थोड़ा तो रैगिंग करना पड़ेगा ना भाई, कर लो बोली कर लो। वैसे तेरे को एक बात बता रहा हूँ, अभी मैं अकेला मार रहा हूँ और तू चड्डी गैंग पे सवाल उठा रहा है, तो ये तेरे लिए डेंजर है, समझ रहे तू? और चड्डी गैंग तोड़ती है तो पेलती है, देख तेरे टीममेट को भी पेला है, समझा? देखो PhD भाई, अगर गरीबी में हो चड्डी गैंग तो फिर जला सकते हो, और अगर नहीं हो ना तो वहाँ पे सामान छोड़ दो, पूरा सामान।
कोई तरीका है भीख मांगने का? अरे तुम बच गए यार, मेरे पास फ्लिंट एंड स्टील नहीं है। 5 मिनट में तेरा सामान डिस्पॉन हो जाएगा, ठीक है? आके ले जा, मैं जा रहा हूँ, ठीक है? A few moments later. थोड़ा हेल्प कर सकते हो क्या सामान लाने में? अब आए ना लाइन पे। कौन सा सामान भाई? मैं एक हट पे हूँ, मैं एक बार नीचे गिरा ना, एक हिट भी हुआ ना मेरे को भाई खत्म। मैं ये बंदा येड़ा है क्या रे? सब कुछ बता देता है, कहाँ पे है, कितना हार्ट है, और अब बता दिया तो फायदा तो उठा ही लेते। भाई हेलो हेलो, आ रहा हूँ। अरे थोड़ा मीट दो ना। मीट, कुक्ड पोर्क चॉप, मटन, अरे सब कुछ था, मैं पूरा स्टैक लेके आया था। तू ही है भाई मेरे पास। ओ शील्ड, अरे शील्ड निकाल ली, शील्ड निकाल ली भाई। अरे सॉर्ड में मार नहीं रहा था भाई, मेरे को डर लग रहा है अभी भी, और मेरे में पेशेंस नहीं है कि मैं वेट करूं। तेरे को नहीं मारने वाला था भाई, मैं आया तेरे को सामान देने को, और क्या चाहिए बता भाई, मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। आपके हाथ में एक टोटम है, बस वो डाल दो। अच्छा ले, टोटम डाल रहा हूँ। यहाँ से तू डिस्कनेक्ट हुआ वहीं पे डाल दिया टोटम। अभी 15 हार्ट होने के बाद तो भाई मैं SMP का सबसे हाईएस्ट हार्ट वाला मेंबर तो बन चुका हूँ, लेकिन अभी मुझे एक और खिताब चाहिए, जो कि है SMP के बेस्ट बिल्ड वाला मेंबर। तो चलो आज हम बिल्ड करने वाले हैं एक भव्य नेदर पोर्टल। सो बिफोर स्टार्टिंग और बिल्ड, हमको कुछ चीजें लगती थी। जैसे कि स्कैफ होल्डिंग और ये सब, तो सबसे पहले हमको यही ढूंढना पड़ेगा, इसीलिए मैं इस वाले बायो में आया हूँ। शायद मैं यहाँ पे मुझे कुछ बाम्बू मिल जाएंगे। ये रहा एक। तो बाम्बू माइन करते हुए मैं बहुत ज्यादा बोर हो रहा था और मेरे को कोई दोस्त की जरूरत थी। I think I need a partner, man. I need a partner and you are that guy. मेरा पहला pet in the game. Hello. चलो मेरे साथ, come on. तू भी आजा भाई. Okay, चलो. तो अपने दो Minecraft के pets को मैं नाम देने जा रहा हूँ। इसका नाम है ऋषि और इसका नाम है प्रणीत। Actually ये मेरे दो दोस्तों के नाम है। और इन दोनों को दो बच्चे भी हो गए भाई। तो यहाँ पे पीछे बनने वाला है अपना भव्य नेदर पोर्टल, लेकिन उससे पहले हमको इस पानी को गायब करना होगा। पूरा हमने इसको कवर कर लिया है डर्ट से, 4 पिलर्स बनाए, इसके ऊपर हम बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे। पहले हम इसका क्या करते हैं, एक आउटलाइन बना देते हैं। अपना बेस तो हो चुका है रेडी, अभी इसमें से एक बीच में से लाइन लेके जाने होगी हमें। अरे भाई यार, यस गाइस, लाइन इज रेडी। अब इसके अंदर हमको कोबाल्ट स्टोन भरना है। ओ भाई, अरे हो गया बेस हो गया रेडी। सो फॉर दिस बिल्ड हमको प्राइमरीली ये 5 ब्लॉक्स चाहिए, तो चलो माइन करते हैं। Okay, तो जितना भी सामान हमको लगने वाला है वो पूरा सामान मैंने इन चेस्ट में रख दिया है। अभी जल्दी जल्दी बिल्ड करना चालू करते हैं। I think we are like 30% done. अगर साइड से देखोगे मुझे ऐसा लग रहा है बहुत हो गया भाई, थोड़ा सा और बाकी है। Okay, 1, 2, 3, and 4 खत्म हो चुका है गाइज अपना बिल्ड। देखो भाई क्या दिखता है, क्या बिल्ड है, क्या नेदर पोर्टल है। वाह, हम सब साथ मिलके लगाते हैं ये आग। आइए, यस, ये कौन सा ब्लॉक रह गया भाई, कौन सा ब्लॉक वो रह गया दोस्तों, सॉरी। ये लगा दिया भाई, अब कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, लगाते हैं। बट ऐसा पोपट हो रहा है भाई, अब इधर बचा है ये लो भाई, अभी कुछ नहीं हो सकता भाई, अभी तो काम करना ही है। तो लैपिस भाई ने SMP के अंदर एक रूल तोड़ा था और उसी के कारण उनको एक पनिशमेंट मिली थी, जिसके अंदर उनकी पूरी इन्वेंटरी क्लियर की गई थी और हम सबको काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, इसलिए गाइस मैं यहाँ पे चालू कर रहा हूँ लैपिस भाई दान पेटी। जैसे कि आप सबको पता है लैपिस भाई की पूरी लूट चली गई थी, उनके लिए हम अभी दान का बंदोबस्त कर रहे हैं। अपने मन से दान करे खुल कर, क्योंकि मैंने लैपिस भाई के लिए दान पेटी बनाई। लैपिस भाई बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो अपने बिल्ड में एक ऐसी चीज करते हैं जिससे अपने बिल्ड को 4 चांद लग जाते हैं।